जो पति ये कहते हैं कि मैं काम नहीं करता और पत्नी ने डाला मेंटेनेंस का केस, पति ने छोड़ दी नौकरी और कह रहा है अब मैं मेंटेनेंस दूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास नहीं है नौकरी, करेंगे तो आप क्या करेंगे, ले लेना मेंटेनेंस, ऐसी बातें होती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है पत्नी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट जो पत्नियों के लिए है बहुत ही अच्छा, लाजवाब, दिवाली जैसा, और पति हो सकते हैं मायूस लेकिन जानना दोनों को ही बेहद जरूरी है क्योंकि दोनों के ही काम आने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 125 सीआरपीसी सेक्शन के अंतर्गत दिया है बहुत ही नवीनीकरण से एक फैसला, क्या फैसला दिया है, किस तरह से पति को देना होगा मेंटेनेंस, क्या है जरूरी बातें, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पति को अपनी पूर्व पत्नी और नाबालिग बच्चों को गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए हैं। इसमें कोर्ट ने कहा है कि यदि पति शारीरिक रूप से सक्षम है तो उसे अपनी अलग रह रही पत्नी और बच्चों के लिए मजदूरी करके भी पैसे कमाने होंगे और उनको गुजारा भत्ता देना ही होगा। तो जो पति ये सोच रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा या फिर काम पे जाना छोड़ दूंगा और मैं मेंटेनेंस से बच जाऊंगा, तो वो पति जरा ध्यान दे। इसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा है कि अगर पति शारीरिक रूप से सक्षम है तो ऐसे में पति को सही तरीके से कमाकर पत्नी और बच्चे का भरण पोषण का दायित्व निभाना ही पड़ेगा, यानी कि पत्नी और बच्चे का भरण पोषण देना ही होगा, इससे वो मुंह नहीं मोड़ सकता। इस केस में पत्नी जो है 2010 से पति से अलग रह रही थी अपने बच्चों के साथ और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पत्नी को 10,000 रुपये और बच्चों के पालन पोषण को यानी कि भरण पोषण के लिए 6,000 रुपये बकायदा गुजारा भत्ता पत्नी को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही नया है, 6/10/2022 का ये जजमेंट है। आप नेट पर जाकर भी देख सकते हैं इसको क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है और जो पति ये देख रहे हैं वो जान लें कि अब मेंटेनेंस से इस बात के तो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे कि हमारा गुजारा नहीं चल रहा है, हमारे पास काम करने के साधन नहीं, हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारी नौकरी चली गई है, ये सब बहाने पुराने हो चुके हैं। कैसे भी करके आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो अपनी पत्नी को और नाबालिग बच्चों को गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। लेडीज के लिए बहुत ही जरूरी जजमेंट है जो कि परेशान हो रखी है, वाकई में परेशान है कि करे तो क्या करे, तो उन इस जजमेंट का फायदा वो ले सकती है क्योंकि सही जजमेंट है और लेडीज को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन अगर आपकी कोई लीगल क्वारी है इससे संबंधित तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे क्वारी कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।